बघाना थाना क्षेत्र के हिंगोरिया में बीते दिनों मकान बनाने की बात पर जमकर विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंके थे। वहीं घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बघाना पुलिस ने शासकीय जमीन पर मकान को लेकर पत्थरबाजी करने पर धारा 294, 323, 506, 336, 34, 427 व 294 सहित अन्य विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बघाना थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी ने कहा कि धन्ना लाल पिता चतुर्भुज, ओम प्रकाश पिता मदन लाल, किशन पिता रामचंद्र, ओम प्रकाश पिता वर्दी चंद्र, सुनील पिता धन्ना लाल, मेघराज पिता बाबूलाल व अनिल पिता अशोक मीणा सभी निवासी हिंगोरिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी ने कहा कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से इन्हें सख्त समझाइश मिलेगी और भविष्य में इस तरह के गंभीर विवाद से यह लोग दूर रहेंगे। देखिए, थाना क्षेत्र में दिनांक 20 जून को हिंगोरिया रेलवे पट्टी किनारे एक अवैध कॉलोनी है, बस्ती है, जिसमें माली और मीना समाज के लोग रहते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके उन लोगों में आपस में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के प्रदेश प्रधान में एक महिला ने रहने के लिए कमरा बना लिया। उसमें मीना समाज की महिला के कमरे का माली समाज के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर उनका सार्वजनिक स्थान है, गरबा करने के लिए और बैठने उठने का बीच का स्थान है, वो वहाँ पर नहीं बनाया। अल्टीमेटली उन लोगों में झगड़ा हुआ और आपस में एक दूसरे को मारापीटी, पत्थरबाजी हुई। दिनांक 20 तारीख को हमारे पास दोनों पक्षों की रिपोर्ट की गई थी, तो रिपोर्ट करने से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज किए थे मार्केट के और दोनों पक्षों का मेडिकल कराया था। 22 तारीख को दोनों पक्षों के दोनों आरोपियों को, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको मामले में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय SDM न्यायालय पेश किया है, ताकि वो भविष्य में लड़ाई झगड़ा ना करे, विवाद ना करे और आने वाले समय के लिए वो प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत बाउंड हो जाए। माननीय न्यायालय ने उनको सुनवाई की और सोचा समझा और उनको आगामी समय के लिए जेल भेज दिया है, जो कि जेल में है। माली और मीणा समाज के टोटल 7 आरोपी भी जेल में हैं और इसका सख्त मैसेज है कि कोई भी इस तरह की सरकारी संपत्ति पर अधिक्रम करने की होड़ में प्रतिस्पर्धा ना करें और सरकारी संपत्ति को अनावश्यक जो है कब्जा ना करें, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।